हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा टू थिकनेस मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम टूथ का थिकनेस मेजर करते हैं और हाइट मेजर करते हैं। ये मेरा W है, ये मेरा पॉइंट O A है, और ये B और ये C और ये D। ये मेरा M, M इक्वल टू क्या होता है, मेरा एडेंडम। मेरे पास दिया हुआ है N इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ, M मॉड्यूल, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4N। तो फोर से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरा पीच का 1/4 पार्ट होता है, इसलिए हम फोर से डिवाइड करते हैं। 90 डिवाइड बाई एन, तो यहां से मेरा आरपी मेरा क्या है, पी सर्कल रेडियस, यानी एन एन इंटू एम एम डिवाइड बाई टू। एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ टीथ, एम हो गया मॉड्यूल, डिवाइड बाई टू। तो मुझे क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू फाइंड करने के लिए चूंकि हम डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं कि एसी, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो हम यहां से ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब मुझे ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए मुझे ओ ए बी ट्रायंगल में जाना होगा। तो इसके लिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई ओ ए, चूंकि ओ इक्वल टू क्या है मेरा, ओ इक्वल टू आर पी दिया हुआ है। तो हम यहां से साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई आर पी। अब यहां से ए बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आर पी इंटू साइन थीटा। तो ए बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है ए बी इक्वल टू आर पी, आर पी का वैल्यू मेरा दिया एन 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 इंटू एम डिवाइड बाई टू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू मेरा है 90 डिवाइड बाई एन, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिवाइड बाई एन, एन हो गया मेरा नंबर ऑफ टीथ। तो अब चूंकि ए सी, ए सी इक्वल टू क्या मेरा है, ए सी इक्वल टू टू ए बी, तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू एन इंटू एम डिवाइड बाई टू इंटू साइन 90 डिवाइड बाई एन। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी, अब चूंकि ए सी डब्ल्यू इक्वल टू ए सी होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं विड्थ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू ए सी होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं विड्थ इक्वल टू ए सी इक्वल टू एन इंटू एम इंटू साइन 90 डिवाइड बाई एन। ये मेरा हो गया टूथ का थिकनेस। क्योंकि अब मुझे हाइट फाइंड करना है, तो टू हाइट, तो अब हाइट फाइंड करने के लिए मुझे यहां इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में H इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OE माइनस OB। तो हम यहां से H का वैल्यू लिख सकते हैं OE माइनस OB। अब चूंकि OE को हम क्या लिख सकते हैं, OE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OD प्लस DE। तो OE OD इक्वल टू मेरा क्या है, OD इक्वल टू मेरा क्या है आरपी, OD इक्वल टू क्या है मेरा आरपी, और D इक्वल टू क्या है अडेंडम। तो हम यहां से लिख सकते हैं OE इक्वल टू आरपी प्लस अडेंडम। तो यहां से OE का वैल्यू मेरा क्या आ गया, N इंटू एम डिवाइड बाई टू प्लस अडेंडम इक्वल टू एम, तो प्लस एम। अब चूंकि मुझे ओ बी फाइंड करना है, तो ओ बी फाइंड करने के लिए मुझे इन ट्रायंगल ओ ए बी में जाना हुआ, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब देख सकते हैं ओ ए बी, तो ओ बी फाइंड करने के लिए मुझे कौन सा, मुझे कोस थीटा लगाना होगा, तो कोस थीटा, तो यहां से कोस थीटा इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ ए।
अब चूंकि ओ इज इक्वल टू आर पी, तो हम यहां से कोस थीटा, कोस थीटा के लिख सकते हैं ओबी, ओबी डिवाइड बाय आरपी, तो हम यहां से ओबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आरपी इंटू कोस थीटा। तो चूंकि थीटा का वैल्यू मुझे पता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय एन, तो यहां से ओबी, ओबी इज इक्वल टू एन इंटू एम डिवाइड बाय 2 इंटू कोस 90 डिवाइड बाय एन। अब हम इसका वैल्यू मुझे इसके ऊपर पुट करना होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं एच इजकल टू ओई, ओई का वैल्यू मुझे पता है ओ इजकल टू एन एम एन एम एन एम बाय 2 प्लस एम। प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा ओबी, ओबी का वैल्यू मुझे पता है एन इंटू एम बाई 2 माइनस कोस 90 डिवाइड बाई एन। तो हम यहां से एच इक्वल टू क्या फाइंड कर सकते हैं, एन एम बाई 2 प्लस एम माइनस एन एम बाई 2 कोस 90 डिवाइड बाई एन। तो हम यहां से जब एन एम बाई 2 का वैल्यू कॉमन लेंगे, हम यहां से h का वैल्यू oe माइनस ob, तो oe का वैल्यू मुझे पता है nm बाई 2 प्लस m, तो यहां से हम ob का वैल्यू मुझे पता हो गया nm बाई 2 इंटू कोस 90 डिवाइड बाई n। तो हम यहां से oe, ये मेरा oe का वैल्यू है और ये मेरा ob का वैल्यू है, तो हम यहां से h इक्वल टू nm बाई 2 प्लस m माइनस nm बाई 2 इंटू कोस 90 डिवाइड बाई n। तो हम यहां से nm को जब nm हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं एन एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एन माइनस कोस 90 डिवाइड बाई एन, तो यही मेरा हो जाता है हाइट एन इंटू एम डिवाइड बाई 2 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एन माइनस कोस 90 डिवाइड बाई एन। इसी को हम, यही हो गया बर्नियर, यही हो गया मेरा टीथ का हाइट, ये मेरा एच हो गया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.